फरीदाबाद में नहीं थम रही हैं गुंडागर्दी की वारदातें। अब सीसीटीवी में कैद हुई दो लोगों को गोली मारने की तस्वीरें। 5 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मामला फरीदाबाद के सेक्टर 23 संजय कॉलोनी का है, जहां दो युवक बाइक पर सवार होकर आए और सरेआम दिन दहाड़े बेखौफ होकर फायरिंग की। आपको बता दें कि ये युवक पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए आए थे, लेकिन घटना में मौजूद एक व्यक्ति ने बदमाशों के मंसूबों को भांपते हुए युवकों को गोली से बचाने की कोशिश की, लेकिन गोली वहां बैठे एक बुजुर्ग के पैर में लग गई और एक युवक को गोली का शिकार होना पड़ा। जांच अधिकारी जगमेल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये संजय कॉलोनी में जो है ना गोली चली थी, गली नंबर 23 में, सेक्टर संजय कॉलोनी सेक्टर 23 में ही, गली नंबर 23 के अंदर जी, जो विमल नाम के लड़के को गोली लगी थी। विमल नाम के लड़के के भाई बसंत से जो है ना आरोपियों का 1-1.5 साल पहले कोई वाद विवाद था, और वो आरोपी जो है ना कहीं कहीं उस बसंत की रंजिश के कारण बसंत के लिए या उसके विमल के लिए कोई गोली मारने के लिए आए थे, और जैसे ही पता लगा वैसे ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी और तुरंत जो है ना घायलों को अस्पताल भिजवाया था और आरोपियों का भी जो। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं पर पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में आ जाती है, और इन घटनाओं पर कब तक रोक लगेगी ये सवाल हमेशा खड़ा रहता है, और कब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके किए की सजा दिलाती है अब ये देखना होगा। वहीं पुलिस की माने तो उन्होंने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।